दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफरवादी एक ऑफिस में हूँ, बुलंदशहर में। ये ऑफिस है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एसी लगा हुआ है। और आजकल एसी के बिल से लोग परेशान हैं। हर लोग गर्मी के समय में एसी में रहना चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी महंगाई ज़्यादा हो रही है। बिजली के बिल से लोग परेशान हैं, एसी का बिल कमर तोड़ रहा है। लेकिन आपका ऑफिस है, घर है, दुकान है, यदि एसी के बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, सोलर एसी। ये सोलर एसी आ गए हैं और एक कंपनी बना रही है, देश भर में इस कंपनी के सोलर एसी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे हैं ये सोलर एसी, कितने मॉडल हैं इस सोलर एसी के, क्या कीमत है, पूरा वीडियो देखें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और देखें ये सोलर एसी कितने तरह के हैं, कितने पैसे के हैं और किस तरह घर बैठे आप इनको मंगा सकते हैं और बिजली के कमर तोड़ बिल से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये सोलर एसी है, बिल्कुल पैक है। और इस सोलर एसी को बनाने वाली जो कंपनी है नेक्सस, उस कंपनी के प्रतिनिधि विजय यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। और ये कई तरह के मॉडल हैं इस एसी के, इस समय ये एसी पैक है। और यादव जी से ही बातचीत करते हैं, ये कितने तरह के एसी बना रहे हैं, किस तरह के एसी से आपको क्या लाभ मिल सकता है और किस तरह आप बिजली के बिल से और महंगाई के दौर में बढ़िया अपने घर, दफ्तर और दुकान पर एसी की व्यवस्था कर सकते हैं। जी यादव जी नमस्कार, हमारे दर्शकों की ओर से नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और दोस्तों मैं बताना चाहूँ, ये सोलर एसी है और इसका विशेष फ़ायदा क्या है कि आप इसे ग्रिड से भी चला सकते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर एसी की तरह। जैसे आप नॉर्मल इन्वर्टर एसी को चलाते हैं उसी प्रकार इसको भी चला सकते हैं, नॉर्मली पावर के सॉकेट में लगा के। और इसके अंदर विशेष क्या है, इसका जो कंप्रेसर है वो डीसी कंप्रेसर है, जिससे इसका विशेष जो फ़ायदा होने वाला है आपको, ये होने वाला है कि इस एसी का जो कंजप्शन है वो इतना कम है कि आप मानिए जैसे आप दो पंखे या एक नॉर्मली कूलर चला रहे हैं अपने घर में, यानी कि रनिंग में आने के बाद में 300-400 वाट के आसपास लोड लेता है। अगर इस मॉडल की हम स्टार्टिंग लोड की बात करते हैं, और ये जो मॉडल है हमारा NX, आप मॉडल देख रहे हैं NX1X सोल अल्ट्रा, ये मॉडल है। और इसका जो कूलिंग एरिया है वो 140 स्क्वायर फुट तक है, यानी इक्वल टू 1.5 टन हो गया। और आपका जो इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे साथ में, ये आउटडोर की कॉस्ट देख रहे हैं, इंडोर की कॉस्ट अलग है, आउटडोर की कॉस्ट अलग है, चूंकि दो यूनिट होती है तो कंबाइंड जो इसकी कॉस्ट है कंपनी ने, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बताएंगे अभी आपको। पहले बात करते हैं इसके कंजप्शन की, तो इसका मैक्सिमम जो कंजप्शन है, मैक्सिमम कंजप्शन 800-850 वाट के आसपास जाता है, यानी कि दो बैटरी के इन्वर्टर से भी आप इसको आसानी से चला सकते हैं अपने घर में। आप चाहते हैं सोलर से डायरेक्ट चलाना चाहते हैं, दो तरीका के मॉडल होते हैं, आप चाहते हैं सोलर से डायरेक्ट चलाना है, एक चाहते हैं कि भाई अब मुझे दो बैटरी का मेरे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है उससे चल जाए और वो पैनल जो है अपने इन्वर्टर पे नॉर्मली लगा लूँ, तो आप उस प्रकार से भी इसे चला सकते हैं। अभी आपके यहाँ सोलर नहीं है, अभी आप चाह रहे हैं भाई इन्वर्टर बैटरी या मैं नॉर्मल बिजली से कैसे चलाऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं फ्लैट में रह रहे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ सोलर पैनल लगना भी संभव नहीं है, तो वहाँ भी आप लोग इसे नॉर्मली ग्रिड से चला सकते हैं, यानी बिजली से चला सकते हैं। और इसे नॉर्मली जहाँ जैसे कूलर का या पंखे का लाड तार लगा देते हैं ऐसे लगा देंगे, तो इसके अंदर इस तरीका की टेक्नोलॉजी दी गई है कि आप इसे नॉर्मली ग्रिड से चला सकते हैं। इसकी कॉस्ट की बात करते हैं साथ के साथ में, तो कॉस्ट की बात है, इन दोनों यूनिटों की कॉस्ट जो है वो 45,500 रुपये है विद टैक्स, आपको 45,500 में मिलने वाली है। और ये जो रेट है ये कंपनी का है, इसके बाद में आपके यहाँ तक जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एक्स्ट्रा होगा। दोस्तों गारंटी वारंटी क्या होगी इसकी, गारंटी की बात करते हैं तो एक साल पूरे एसी की कंप्लीट वारंटी है, कोई भी दिक्कत आती है उसके बाद में 5 साल कंप्रेसर की इसकी वारंटी है। कि मैं इसको आपको अनबॉक्स भी करके दिखाता हूँ, तो आपको इसकी पैकिंग दी गई है आप देख रहे हैं, ये हम अनबॉक्स कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से इसे बड़े अच्छे तरीके से पैक किया जाता है। दोस्तों ये बहुत सुंदर आप देख रहे हैं, ये इसका इंडोर है और इसमें स्पेशल फीचर्स आप देख रहे हैं, इसमें R30 गैस का यूज किया गया है, साइलेंट ऑपरेशन है, 100% कॉपर का प्रयोग किया गया है, चाहे इसकी कूलिंग कॉइल है, चाहे इसका आपका कंप्रेसर से लेके पाइप है, हर जगह प्योर कॉपर का इसमें यूज किया गया है। एंटी बैक्टीरियल है, इस समय आप चाहते हैं आपकी OT है या कुछ इन्फेक्शन चल रहा है तो ये एंटी बैक्टीरियल फिल्टर्स दिए गए हैं इसके अंदर स्पेशली। और कंजप्शन का आपको मैं बताई दूँ, एक बार बाहर निकाल के दिखाता हूँ मैं इसको, होल्ड करो बेटा, इसी तरफ दो, हाँ कोई बात नहीं, अब बस
दोस्तों जैसा अभी हमने इसको अनबॉक्स कर दिया, आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये आपका इंडोर है और इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। R30 गैस का प्रयोग किया गया है, साइलेंट ऑपरेशन है, 100% कॉपर, सेल्फ क्लीनिंग का भी इसमें स्पेशल मोड है और एंटीबैक्टीरियल है। और अब देख अब मैं आपको दिखाता हूँ, रिमोटली ऑपरेटिव है तो आप रिमोट से इसे बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसका यूजर मैनुअल है जो कंपनी साथ देती है ज़्यादा जानकारी के लिए। तो इसका विशेष बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है दोस्तों कि आपका जो एसी का बिजली का बिल है वो बिल्कुल कम होने वाला है, यानी कि आप मानिए कि आपका एसी का बिल लगभग इतना हो गया कि आप जैसे कूलर चला रहे हो, दो पंखे चला रहे हो। अच्छा यादव जी, इसके अलावा कितने मॉडल हैं आपके यहाँ? इसमें कंपनी अभी 3 मॉडल बना रही है जी। ये 1X मॉडल है, इसे अगर आपका रूम का साइज 140 स्क्वायर फीट तक है तो ये आपके लिए अच्छा है, मतलब इक्वल टू 1.5 टन हो गया। आपका रूम साइज थोड़ा बड़ा है, मतलब 200 स्क्वायर फुट है या 180 स्क्वायर फुट है, तो आप एक 2X आता है इसका मॉडल वो ले सकते हैं, वो इक्वल टू 2 टन है। और उसके बाद में तीसरा जो मॉडल है वो हॉट एंड कूल है। हॉट एंड कूल में क्या फीचर दिया गया है कि सर्दियों के टाइम में वो गर्म आपको देता है हवा और गर्मियों के टाइम में ठंडी हवा देता है। अच्छा, ये 1X और 2X ओनली कूल है? हाँ, ये कूलिंग करते हैं 1X 2X, और जो है एक स्पेशल मॉडल है हॉट एंड कूल। कुछ लोग चाहते हैं कि भी हमें सर्दियों में भी एसी हमारा प्रॉपर काम करे, तो उसके लिए कंपनी हॉट एंड कूलिंग। अच्छा, तो उसकी 2X और हॉट एंड कूल दोनों की इसकी कीमत में कितना अंतर है? कितना? इससे तकरीबन मान के चलिए आप 6,000 से 7,000 रुपये महंगे हैं। 2X और हॉट एंड कूल का रेट लगभग बराबर है, 52,000 के आसपास का रेट है उनका, और इसका जो रेट है 45,500 रुपये है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ये बैटरी से ऑफ ग्रेड और ऑन ग्रेड, यदि आपको इसके साथ क्या क्या आप दे रहे हैं, सामान क्या क्या दे रहे हैं? देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ओनली एसी की बात कर रहा हूँ। एसी में हम एक इंडोर एक आउटडोर दे रहे हैं, उसका रिमोट, उसकी बुक्स और वो सारी चीज़ें, पाइपलाइन वगैरह दे रहे हैं बस इस पैक में। अगर आपको पूरा कंप्लीटली पैक लेना है तो उसके लिए सिस्टम ले सकते हैं आप, 2.5 KVA, 3 KVA अपनी ज़रूरत के हिसाब से, 5 KVA, या अभी आपके पास ऑलरेडी इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है उस पर भी आप चला सकते हैं पैनल लगा के, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया। अच्छा, पैनल जिसको लगाना है 2.5 KVA 3 KVA जिसको चलेगा, केवल सोलर से चलेगा जो, उसके लिए कोई बैटरी नहीं चाहिए होगी? देखिए सर, ऐसा होता है अभी आप चला सोलर से भी सकते हैं, लेकिन सोलर का क्या है कि अभी दिन के टाइम में अभी कुछ बादल आ गए, घटा आ गई, सोलर का जनरेशन थोड़ा कम हो गया तो हमें दिक्कतें आने लगती हैं, एसी का उस समय कूलिंग कम हो जाएगी। तो हम बीच में अगर बैटरी दे लेते हैं तो उससे क्या कॉन्स्टेंट लाइट आती है, तो एक कॉन्स्टेंट लाइट आती है तो उससे एसी का पूरा हमको आनंद मिलता है। जब हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक हमें ए ग्रेड फीचर्स चाहिए। तो कौन कितनी कॉस्ट की बैटरी की आवश्यकता है? देखिए, आप इसमें एक सिस्टम लगा लेंगे, 2 KVA 2.5 KVA का सिस्टम भी लगा लेंगे, उससे सिस्टम चल जाएगा आपका। अगर ऑफिस का काम दिन का है, आप चाह रहे हैं भी आपका रात का, चूँकि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं मेरे बच्चों के लिए या मेरे घर में रात को भी चले, तो आप एक बड़ा सिस्टम लगा सकते हैं 3 KVA या 5 KVA, उसमें बड़े आराम से चलता रहेगा, आपका घर का लोड भी चलता रहेगा, एसी भी चलता रहेगा। अच्छा, घर का लोड दफ्तर के साथ साथ शाम को घर का भी लोड चलाना है तो ये 3 KVA का जो सिस्टम है वो उसका खर्चा कितना? देखिए, तीन अब वो अलग अलग है सर, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे पैनल अलग है, आप आई ग्रेड का पैनल लेंगे, बैटरी लिथियम लेंगे या लेड एसिड लेंगे, PCU हाइब्रिड लेंगे या नॉर्मली लेंगे, तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, हमारी वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, वहाँ जाके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, यादव जी जो इस कंपनी के प्रतिनिधि हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से सोलर पैनल में बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारे सोलर पैनल के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें किस तरह से आप खरीद सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी जो जैसी आपको आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार अपने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ की कंपनी का पूरा आता पता और टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, आप उनसे जानकारी कर सकते हैं। भरोसे और विश्वास के साथ इस कंपनी से आप सोलर पैनल या सोलर AC खरीद सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफरवादी, नेक्सस कंपनी, चोला बुलंदसर से, नमस्कार।